नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं और दस्तक के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नोटबंदी का फैसला है उसके 50 दिन पूरे होने वाले हैं और उससे भी बढ़कर यह कि प्रधानमंत्री नववर्ष की पूर्व संध्या पर जनता को, देश को संबोधित करने वाले हैं। उस पर हम अपनी खास रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के भीतर, समाजवादी परिवार के भीतर जिस तरह की रस्साकशी है ये किसी से अब छिपी नहीं है। बार बार आकर बयानबाजी जरूर हो जाती है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 235 लोगों की एक सूची जारी कर दी है। दरअसल टिकट किसे दिया जाए चुनाव के लिए, किसे न दिया जाए, इसे लेकर खींचतान है। मुलायम सिंह यादव ने अपनी तरफ से एक सूची जारी की। अब अखिलेश यादव की जो सूची है उसमें 64 नए नाम आ गए। अखिलेश समर्थक जो नेता हैं और अखिलेश के जो समर्थक नहीं हैं, ये दो जो समानांतर चल रहे हैं वही हैं टिकट पाने वाले मुलायम सिंह यादव द्वारा और अखिलेश यादव द्वारा। अखिलेश की सूची में 171 ऐसे हैं जो कि मौजूदा एमएलए हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपनी तरफ से यह कह दिया था कि जीत जो सकता है, जीत को लेकर जो संभव है जिसका जीतना, उसे टिकट वो दे रहे हैं। किसी के विरोध या पक्ष में होने का कोई मतलब नहीं है इसमें, लेकिन अखिलेश यादव का आकलन स्पष्ट तौर पर अलग है क्योंकि इसीलिए उनकी सूची अलग नजर आ रही है। 64 नए नाम हैं। अखिलेश यादव ने पहले ही ये निर्देश दे दिए थे उन सभी लोगों को, उनसे मुलाकात करके, कि वो अपनी तरफ से चुनाव की तैयारी रखें, चुनाव लड़ें। लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी क्या दो ऐसे उम्मीदवारों को उतारेगी जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होंगे? क्या नेताजी अपनी तरफ से इस पूरे मामले का निपटारा कर पाएंगे? जनवरी के पहले हफ्ते में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हम आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर। क्या यह समाजवादी पार्टी का सेल्फ गोल होगा? क्या विरोधियों को बैठे बिठाए प्लेट में परोस दिया जाएगा एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अपनी तरफ से एक बागी लिस्ट जारी कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी सूची बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। ये जो टकराव है उसके मायने समाजवादी पार्टी के लिए क्या रह जाएंगे इन चुनावों में? कहां तो एक तरफ बात होती है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भीतर ही वो गठजोड़ नहीं नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता बालकृष्ण जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। बालकृष्ण, जितना आपके पीछे कोहरा नजर आता है उतनी ही धुंध समाजवादी पार्टी के भीतर नजर आ रही है। बिल्कुल श्वेता, बात बिल्कुल साफ है। अभी कुछ समर्थकों से बात हुई अखिलेश यादव के, जिनसे हमने ये पूछा कि अगर जिन लोगों को ऑलरेडी टिकट मिल चुका है, समाजवादी पार्टी जिनको टिकट दे चुकी है, उनका भी नाम घोषित करने का आखिर मतलब क्या है? और इन लोगों का कहना है कि इन जिन सीटों पर 235 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपनी लिस्ट जारी की है, उसका सिर्फ इतना मतलब है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि इन सीटों पर इन लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए। यानी उन्होंने टेबल पर अपनी लिस्ट भी रख दी है और सार्वजनिक तौर पर रख दी है। ये सीधे सीधे दबाव बनाने का तरीका है मुलायम सिंह यादव पर, शिवपाल यादव पर, कि अगर आप हमारे लोगों पर विचार नहीं करेंगे तो ये सारे लोग बागी होकर निर्दलीय भी लड़ सकते हैं या किसी और तरीके से भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। इसका ये बिल्कुल अभी मतलब नहीं है कि अखिलेश यादव ने पार्टी तोड़ दी है। इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर जीत होती है, हार होती है तो इसका ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा जाएगा। तो अगर मैं चुनाव का चेहरा हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरे से सलाह मशवरा किए बगैर जो लिस्ट पार्टी ने जारी कर दी है उस लिस्ट को उस तरह से वो मंजूर नहीं कर सकते और अपनी राय वो सार्वजनिक तौर पर रखेंगे। और उनकी राय अगर नहीं मानी जाती है, उनके लोगों को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसके बाद वो अगला स्टेप अपना तय करेंगे। तो यानी मुलायम सिंह यादव के पाले में गेंद डाल दी है अखिलेश यादव ने, शिवपाल और मुलायम के पाले में, कि अब उन्हें ये डिसाइड करना है कि वो क्या करना चाहते हैं आगे। लेकिन चुनाव के इतना नजदीक इस तरह की लड़ाई का कोई मतलब भी है? कोई वर्चस्व किसका पार्टी में रहता है नहीं रहता है वो तो तब होगा ना जब पार्टी ही रहेगी। क्या लोग जो वोटर हैं वो इस बात को देखकर असमंजस में नहीं पड़ेंगे? श्वेता, कोई इस वक्त समाजवादी पार्टी में वोटर क्या सोचेंगे इसकी नहीं सोच रहा है। सोच सिर्फ इस बात की रहा है कि समाजवादी पार्टी पर कब्जा किसका हो। सोच इस बात की रहा है कि पार्टी चाहे हारे या जीते, लेकिन जो भी विधायक होंगे वो किसके साथ होंगे, विधायकों का नेता किसके साथ होगा। कल को अगर पार्टी में ऐसी स्थिति आती है कि पार्टी में बंटवारा हो जाता है तो ज्यादा विधायक किसके साथ खड़े होंगे।
साइकिल पर कब्जे की लड़ाई ज्यादा चल रही है बजाय यूपी जीतने की लड़ाई। आपने जो वोटरों का सवाल पूछा, ये बात बिल्कुल समझी जा सकती है कि इससे झगड़ा, इस झगड़े से समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, लेकिन फिलहाल ये परिवार का झगड़ा जो है, इस झगड़े में अपना वर्चस्व कायम करने का झगड़ा ज्यादा हो गया है। वोटरों की चिंता अभी फिलहाल किसी को नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया बालकृष्ण इस पूरी बातचीत के लिए। जाहिर है समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरह की खींचतान चल रही है, उसमें क्या दो दो कैंडिडेट ऐसे होंगे जो दोनों एक ही पार्टी के, क्या एन चुनावों से पहले इस तरह का कोई फैसला लिया जाएगा, इस मामले का निपटारा हो पाएगा, क्योंकि कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं दिखता जो संपूर्ण पार्टी को एक सूत्र में बांधे। पार्टी तो दूर की बात है, इन समर्थकों को एक सूत्र में बांट दे जो अलग अलग लोगों के समर्थक यहां पर खड़े हैं। बहरहाल हम उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं और अब समूचे देश की तस्वीर देखते हैं। समूचे देश की तस्वीर देखते हुए हम नोटबंदी की बात करते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत करते हैं, क्योंकि कई सवाल हमारे मन में है। नोटबंदी की सफलता एक तरफ है, लेकिन जो लोग हैं वो तो इस बात को लेकर चिंतित है कि अब प्रधानमंत्री एक और नया बम फोड़ने के लिए आ रहे हैं 31 दिसंबर को। पीयूष जी नहीं, ऐसा है कि ईमानदार लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईमानदार लोगों का सम्मान और गरीबों का कल्याण, ये हमारी सरकार की निष्ठा है, प्रतिबद्धता है। हाँ, अगर कोई परेशान है तो जरूर दाल में कुछ काला है, और उस प्रकार के लोगों के लिए हमारे दिल में भी कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन तो हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कि जो 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, प्रधानमंत्री ने भी जी, उसमें क्या कहेंगे? मैं एक बात को श्वेता जी खत्म कर रहा था जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो लोग ईमानदार रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो अपने रिकॉर्ड पे सब साफ रखना चाहते हैं, जो लोगों को अनऑर्गेनाइज लेबर एम्प्लॉय करते हैं, उनको भी अगर पूरी मिनिमम वेजेस देके उनकी स्वास्थ्य सेवाएं, उनका सोशल सिक्योरिटी, उसका पालन पोषण ठीक से हो देखना चाहते हैं, उन सब के लिए इस सरकार ने ये अनाउंस किया है कि आपको बेफकर अपना व्यापार करिए, ईमानदारी से करिए, कोई पुराना पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, कोई पुराने चिट्ठे नहीं खोले जाएंगे। लेबर डिपार्टमेंट ने भी इंस्ट्रक्शन दे दिए, इनकम टैक्स ने भी, एक्साइज सर्विस टैक्स ने भी। तो अब मौका है पूरे देश को एक ईमानदार रास्ते पे चलने का। ईमानदार रास्ता ही सही रास्ता है और इस देश का भविष्य टोटली बदल सकता है। तो मैं तो आपके चैनल से, आपके माध्यम से सभी को दरख्वास्त करूंगा, सभी व्यापारी वर्ग को, सभी लोगों को, कि एक बहुत बढ़िया सुनहरा भारत का भविष्य है, उसमें हम सब ईमानदारी से जुड़े तो किसी को कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत जी। लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि कोई डरने वाली घोषणा ना हो जाए यहाँ पर, क्योंकि 31 तारीख को जो राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं प्रधानमंत्री, उसमें क्या कहेंगे एक साथ है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री बैंक खाते से कैश निकालने की सीमा जो है, इसे लेकर जो लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं कि क्या थोड़ी सी निकासी की सीमा बढ़ जाएगी, कि एक बार एटीएम के लाइन में लग जाए उसी के साथ हमारी जो उलझन है, जो समस्या है वो खत्म हो जाए, एक बार में ही निकाल पाए। मुझे मालूम नहीं प्रधानमंत्री जी का कोई ऐसा निर्णय हुआ है क्या कि वो संबोधन करेंगे या क्या कहेंगे, वो जानकारी तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इतना आपको विश्वास से कह सकता हूँ, और खास तौर पे जब हम सब चेक करते रहते हैं क्या हो रहा है, अभी आपके चैनल पे जैसे आप एक लाइन दिखा रहे हैं, आप मेहरबानी करके उस पर डेट लिखिए ना। मैंने अभी अभी आपके एडिटर राहुल कंवर से भी रिक्वेस्ट की कि आप पुरानी फुटेज आज दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एथिकल रिपोर्टिंग नहीं है। अच्छा रहेगा अगर आप रिपोर्टिंग करिए, आज की दिखाइए ना रिपोर्टिंग, और पुरानी दिखा रहे हैं तो दिखाइए कि हम 10 दिन 20 दिन 40 दिन पुरानी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अगर आज की रिपोर्ट में आप किधर मुझे बता सके कि 200 लोग लाइन में खड़े थे, तब तो मैं आपकी बात पर विश्वास करूं। वास्तव स्थिति यह है कि लगभग देश भर में इस बात को मैं क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी, पर्याप्त मात्रा में पैसा है। मैं लोगों को भी हाँ। अपना बताते चलना चाहूंगी आगे कि अगर इस तरह की कोई तस्वीरें हैं, या तो हमने इसमें यह दिखाते हुए कहा होगा कि 50 दिन का आकलन है, लेकिन जो तारीख आज की तारीख पर दिखाया जा रहा है पीयूष जी, वो आज की ही तारीख की तस्वीरें हैं, नहीं तो हमने ये बताया है कि ये 50 दिन का लेखा जोखा जो चैनल पे आई है जी,
अगर इस तरह की चीज है तो हम उसको जरूर देखेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि मेरे सामने मैंने देखा उस पे, आप बताइए मुझे कि आज कौन सी जगह का है, मुझे बताइए कि अभी पता करके बता दीजिए कौन सी जगह का है पूरे भारत में, क्योंकि हम भी तो पूरी डिटेल रखते हैं ना पूरे भारत में। मैं अपने प्रोड्यूसर्स को यही कहूंगी कि वो जरूर उस तस्वीर को निकाल कर बताएं कि वो किस जगह की तस्वीर है, अगर लोगों को लाइन में लगा हुआ दिखाया जा रहा है जी, और कौन सी तारीख की थी जी, और कौन सी तारीख की हम जरूर, दरअसल वो 50 दिन के आकलन में उस विश्लेषण में और उस वक्त वो बताया जाता है जी। आखिर जब जी हम आपसे जो सवाल जानना चाहते हैं पीयूष जी, हम वो भी साथ में जानते चले जाए, रिस्पॉन्सिव जर्नलिज्म के लिए। नहीं बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम और जहां तक बात रही के जी उन निकासी की सीमा पर हम बातचीत कर रहे थे कि आपको व्यक्तिगत तौर पर लगता नहीं है कि जो निकासी की सीमा अगर थोड़ी खासकर एटीएम से निकासी की सीमा अगर बढ़ जाएगी, या जिस तरह से पहले था कि आप जितना चाहते हैं उतना निकाल सकते हैं, तो लोगों की समस्या बहुत हद तक वहीं पर रुक जाएगी, लोग बार बार कतार में नहीं लगना चाहते हैं। सही बात, नहीं आपने बहुत सही बात कही, और इस पे मुझे लगता है सरकार भी पूरी गंभीरता से विचार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से स्पष्टीकरण किया था कि आखिर ये एक निर्णय लिया गया गोपनीय रखने के कारण, उसको लेने के पहले कोई हर एक नोट को प्रिंट करके रखना संभव नहीं था, पर अब जो परिस्थिति हमें देश भर से दिख रही है, आज जैसे नए नोट की रीडिपॉजिट भी हर रोज बढ़ते जा रही है, आज के दिन तो लगभग 9-10 हजार करोड़ रुपए नए नोट के डिपॉजिट हो रहे हैं बैंक में, तो वो फिर सर्कुलेशन हमें उससे आकलन होते रहता है कि सर्कुलेशन कितनी बढ़ रही है, तो लगभग सामान्य स्थिति बनते जा रही है। ऐसे में सरकार भी इस पूरी परिस्थिति पे नजर रखे हुए है, और जनता को कम से कम कठिनाई हो और जल्द से जल्द ये परिस्थिति सुधार हो, और सुधार की कतार बहुत तेजी से बढ़े, जिससे बहुत लंबे अरसे तक हमें ये रिस्ट्रिक्शन ना रखने पड़े, उस पर सरकार गंभीरता से और दिनों दिन इस पर नजर रख रही है। तो आपके श्रोताओं को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपकी सरकार आपके प्रति पूरी संवेदना रखती है, रिस्पॉन्सिव है कि जो जो हम निर्णय ले रहे हैं उससे कैसे गलत काम भी ना हो सके, और ईमानदार आदमी को सहूलियतें ज्यादा से ज्यादा मिले, इसकी घोषणाएं आपको आगे भी मिलती रहेंगी, सुनने को रहेंगी जी। यही इसी भरोसे का इंतजार लोगों को रहता भी है, क्योंकि उसी भरोसे के दम पर लोग खड़े हैं कतारों में, और अभी भी कहते हैं कि हमें थोड़ी सी परेशानी से कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये जो मकसद है वो पूरा हो जाए। हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं लगातार, और आप बहुत संयम से जवाब भी दे रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि किसानों और गरीबों के लिए खासकर, जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी चिंता प्रधानमंत्री की चिंता रही है, तो क्या वो भी किसी बड़े ऐलान का इंतजार कर सकते हैं कि हाँ इतनी समस्या उठाई है तो भाई कोई मरहम अच्छा ही होगा? जिस दिन से प्रधानमंत्री जी को संसदीय दल ने नेता चुना और उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उस दिन से आज तक प्रधानमंत्री जी का एकमात्र लक्ष्य यह रहा है कि कैसे गरीब के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो समाज का वर्ग शोषित रहा है वर्षों से, उसके प्रति उनकी संवेदना रही है कि कैसे उस वर्ग के जीवन को सुधार किया जाए, कैसे उस वर्ग के जीवन में और भविष्य सुधरे। और मैं समझता हूं ये जो नोट बदली का काम रहा है, नोट पुराने नोट बदल के नए नोट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसके पीछे जो एक बहुत प्रमुखता कारण ये था कि किसानों और गरीबों की सेवा के लिए राजस्व बढ़े, जो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी, और आपको आंकड़े पता है 2004 के बाद हर वर्ष लगभग 18% वृद्धि हो रही थी बड़े नोटों में, 500 और 1000 रुपए के नोटों में। आखिर भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा इनफॉर्मल इकोनॉमी में चले, जिसका राजस्व का भी नुकसान होता है, जो राजस्व अगर सरकार के पास आता है, राज्य सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास, तभी तो गरीबों का कल्याण हो सकेगा। जब अनऑर्गेनाइज लेबर को न्यूनतम तनख्वाह मिलेगी तभी तो उनके जीवन का स्तर सुधर सकेगा। पीयूष जी, चूंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आपने जिक्र किया है, क्या आप इस बात को नीचे पहुंच ही नहीं पाए, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस नोटबंदी में
जनता का एक बड़ा धड़ा है जिसका बलिदान रहा है, और उस बलिदान का एक चेहरा ऐसा है जो शायद हमारे सामने नहीं है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई लोगों को अपनी जो जो उन्हें दिहाड़ी मिलती भी थी वो भी गंवानी पड़ी, उनके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं हम? श्वेता जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि सालों साल इस अनऑर्गेनाइज लेबर को कैश से उनकी तनख्वाह पे करी गई। उनके हम तो सोच रहे थे, जब हमने कहा कि पेमेंट चेक से या डिजिटल होनी चाहिए, हमें पूरा विश्वास था कि लेफ्ट फ्रंट जो है सीपीआई सीपीएम, जो अपने आप को लेबर का वर्कर्स का हित करने वाली संस्था मानती है, ट्रेड यूनियन में अपना अहम भूमिका निभाती है, हम सोच रहे थे वो तो सबसे ज्यादा खुश होंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हमने पाया कि पश्चिम बंगाल या केरल में भी जो टी प्लांटेशन कॉफी प्लांटेशन हैं, उसमें वहां के यूनियन लीडर कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कैश में तनख्वाह पे करी जाए। हमारे एक बहुत बड़ा लक्ष्य इसमें से ये था कि अनऑर्गेनाइज लेबर का सम्मान हो, उसको मिनिमम वेजेस मिले, उसको पूरी तनख्वाह मिले। ये नहीं कोई कोई दबंग व्यक्ति या बाहुबली उसमें से कुछ तनख्वाह का हिस्सा निकाल के रख ले। और जब ये अनऑर्गेनाइज लेबर को पूरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं समझता हूं अगर कुछ मात्रा में किसी को कठिनाई भी हुई है इस 2-3 महीने के दौरान, उसको जो लाभ मिलेगा आगे चल के उसकी हेल्थ सर्विसेज, आखिर ईएसआई बेनिफिट देना कंपलसरी है, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट देना कंपलसरी है अनऑर्गेनाइज लेबर को भी। हम चाहते हैं कि उसको और उसके परिवार को पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उसके बुढ़ापे के लिए साधन जुटाया जाए पीएफ के माध्यम से। ये शॉर्ट टर्म पेन मैं समझता हूं एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। लोगों को अब तनख्वाहें ईमानदारी से देनी पड़ेंगी, मिनिमम वेजेस देनी पड़ेगी, ईएसआई में और प्रोविडेंट फंड में उनको रजिस्टर करके उसका लाभ देना पड़ेगा। इसका गेन उनको आज से लेके दशकों तक मिलेगा। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है उन लोगों का क्या जो जबरदस्ती कैश में ही मांगते हैं। मैं खासकर उन मकान मालिकों की तरफ इशारा कर रही हूं जो रेंट लेते हैं और मुमकिन है वो उतना क्या वो स्पष्ट तौर पर सफेद अपने इनकम व्हाइट इनकम दिखाना नहीं चाहते हैं, वो उस कैश को अपने पास रखना चाहते हैं। अब ऐसे लोग रेंट पे रहते हैं जिनकी मजबूरी है, आप रेंट नहीं देंगे तो आप घर खाली कीजिए, क्या इस तरह के, ये एक मिसाल है, क्या इस तरह के लोगों पर नियंत्रण के लिए भी किसी तरह का कुछ टफ कानून होगा, लोग कहीं कंप्लेन कर सकते हैं? मैं तो आप ऐसा मैं समझता हूं इसके लिए कानून की भी आवश्यकता नहीं है। आज भारत में इतने कानून है कि उन कानून के अंतर्गत भी अगर कोई व्यक्ति कैश में ही इंसिस्ट कर रहा है और अपने रिकॉर्ड पे नहीं दिखाता है जो रेंटल इनकम है, तो आज भी इनकम टैक्स में उसके बहुत प्रावधान है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, भारत की जनता से कि अगर कोई मकान मालिक इस प्रकार के कंडीशन लगाता है, अगर कोई फैक्ट्री मालिक इस प्रकार के कंडीशन लगाता है कि हम कैश में ही पे करेंगे, तो मेहरबानी करके आप हमें जानकारी दीजिए। यह जानकारी बड़ी अमूल्य है, हम इस पर कार्रवाई कर सकेंगे। मैं तो समझता हूं प्रधानमंत्री ने इतना उदार दिल दिखाया, सबको चेतावनी दी कि अब आप सुधर जाइए, अब ईमानदारी के रास्ते चलिए, हम आपका पुराना चित्ता पट्टा नहीं खोलेंगे। जी, एक बड़ा आश्वासन है सरकार की तरफ से, और कई लोग होंगे जो मुझे लगता है कि इसमें कंप्लेन करना चाहेंगे, सीधा पीएमओ में भी कर सकते हैं जो हम बताते हैं। जी पीयूष जी, तो कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ने की बात थी तो हम समझ लें कि आप करिए, वित्त मंत्री जी के पास करिए। जी, अब कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ते हुए हम समझ लें कि अब वाकई हमारे जो बाजार है, हमारी जो पूरी दिनचर्या है, उसमें वाकई कैश का लेन देन घट जाएगा प्रतिशत के तौर पर। हमें बहुत बहुत विश्वास है भारत की जनता पे, हमें विश्वास है कि भारत की जनता मूलतः ईमानदार है, भारत की जनता चाहती है कि देश ईमानदारी से चले, और हमें उनका समर्थन और उनका आशीर्वाद मिला है इन 50 दिनों में, आगे भी मिलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आगे चल के जनता डिमांड करेगी कि हमें बिल दो, जनता डिमांड करेगी कि रिकॉर्ड पे रखो, हमें पूरा इसका भुगतान डिजिटल करना है या आधार के थ्रू करना है या यूपीआई के थ्रू करना है या चेक से करना है। आज जिन तस्वीरों पर आपने सवाल उठाया था वो हम बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं, मिलके इसको सुधार। जी, ये तस्वीरें जो हम फिर दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के दो इलाकों की तस्वीरें हैं, ये दरियागंज और चांदनी चौक की आज की तस्वीरें हैं, ये
ये पहले की तस्वीरें नहीं है, कोई भ्रम की बात नहीं थी, ये तस्वीरें आज की ही हैं। हाँ, ये तो जो कतारें हमने दिखाई थी, कुछ तो कोई लंबी कतार नहीं है, बहुत बढ़िया। ये चांदनी चौक में कहां कतार है मुझे दिखाइए ना, 10-12-15 लोग की कतार दिख रही है, तो 10-12 लोग की कतार तो पहले भी रहती थी श्वेता जी। तो सेंसेशनलाइज करने की इच्छा हो तो आप जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन ये मेरे सामने आप बताइए ना, लाइन पूरी दिखाइए, क्या है 10-12 लोग से अधिक नहीं है इस लाइन में, मैं देख रहा हूँ आपके टीवी पे ही देख रहा हूँ। चलो अभी थोड़ी लंबी आपने दिखाई है तो करीब 25 लोग होंगे, तो इससे लंबी तो नहीं है, 25 लोग दिख रहे हैं इस कतार में। 25 प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि 50 दिन के बाद एकदम खत्म हो जाए, कहा आप 200-250 की लाइन दिखाते थे पीयूष जी। बहस की बात तो ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि उन लोगों को जो कतार में खड़े रहते हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं है, उन्हें भी समस्या नहीं है, उन्हें मालूम है कि देश की बेहतरी के लिए जो कदम लिया जाए उसके लिए कोई भी कतार लंबी नहीं होती है। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, आरोप विपक्ष की तरफ से बहुत लग रहे हैं, जवाब नहीं दिए जाते हैं, आप लोग टाल रहे हैं, क्या राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया जाएगा? हम तो जवाब दे दे के थक गए उल्टे, अब तो लोग हमें कह रहे हैं जवाब भी आप देने क्यों आते हो। आज रविशंकर प्रसाद जी और मैं, हम दोनों बीजेपी कार्यालय में बैठ के एकदम बेबुनियाद, कोई मतलब नहीं है ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं, फिर भी हमने प्रेस को बुलाया, प्रेस के पास कोई सवाल नहीं था करने के लिए, प्रेस बाद में हमें पूछ रहे थे कि आप क्यों आते हो जब कोई है ही नहीं विषय, नया कोई विषय नहीं उठाया, नए विषय में कोई दम नहीं है, कोई विषय नहीं था, बेबुनियाद आरोप जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा ली है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, जनता का समर्थन देख के उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो रणनीति क्या करें, और इसलिए अब तो शायद उनके नेता भी अवेलेबल नहीं है, कोई प्रवक्ता ही दिखते हैं टीवी पे, नेता तो पता नहीं कहाँ है आजकल, वो आप ही पता कर सकते हैं, हमें तो पता नहीं। चलिए पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, लोगों के मन में जो सवाल थे कि प्रधानमंत्री का संबोधन अगर होता है तो किन चीजों की उम्मीद करें, या फिर नोटबंदी के ये जो 50 दिन होंगे उसके बाद किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी हमसे बातचीत करने के लिए।